गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट्स वीडियो में। फिर से लेके आए आपके लिए एक और वीकेंड स्पेशल वीडियो जिसमें हम निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। आज इंट्राडे मूव्स की बात करेंगे, कैसी ओवरऑल इंट्राडे मार्केट देखने को मिली, इंट्राडे कैसे लेवल्स ने वर्क किया, पोजिशनली क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे स्टडी करेंगे, साथ में ऑप्शन चेन को भी स्टडी करेंगे कि ऑप्शन चेन के डाटा के अकॉर्डिंग हमें क्या इंडिकेशन मिल रही है। तो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है, जानने वाले हैं डिटेल एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर जाओ एंड इस फैमिली का पार्ट बन जाओ, जहां डेली आपको बहुत ही परफेक्ट एनालिसिस और लेवल्स मिलते हैं एंड लेवल बहुत ही परफेक्टली वर्क करते हैं। ये हम कंटिन्यूसली आपको प्रूव करते आ रहे हैं। कल भी हमने आपको एक स्पेशल लेवल बताया था और वहां से एक स्पेशल ट्रेड भी लिया था और आपको जैकपॉट रिटर्न भी मिला था एंड वो हमने अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ही शेयर किया था। तो टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट नहीं अभी तक तो वो भी जरूर ज्वाइन कर ले। चलिए निफ्टी का एनालिसिस करने वाले, सबसे पहले इंट्राडे मूव्स की बात करते हैं। तो चलिए एनालिसिस शुरू किया जाए। सबसे पहले हमारे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बात करेंगे 5 मिनट चार्ट्स पे कि कैसे इंट्राडे हमने मार्केट देखी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली आज हमें मार्केट में। मॉर्निंग में फर्स्ट 5 मिनट में तो एक बार मार्केट में डिप भी आया, लेकिन फिर मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिला, मार्केट वहां से पुल बैक दिखाती है और फिर परफेक्टली कहाँ तक जाती है मार्केट आप देखिए। हमारा रेजिस्टेंस लेवल था 14,900, क्लियरली आपको पता होगा अगर आप हमें फॉलो करते हैं, हमने क्लियरली आपको ये लेवल बता रखा था कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट हमारा 14,900। मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करती है और क्लियरली हमें 14,900 तक जाती हुई दिखी मार्केट। फिर क्या होता है मार्केट में आप ये देखिए। अब देखिए 14,900 पे हमारा लेवल तो था ही, लेकिन हमें डबल कन्फर्मेशन कहाँ से मिली लेवल के रेजिस्टेंस की, आप वो देखिए। अब ये है हमारा सिंपल सा इंडिकेटर जो आपको हमेशा बताते हैं अपने चार्ट्स पे अप्लाई करके रखें एंड इसका क्या नाम है, सुपर ट्रेंड। आप देखिए कितना परफेक्टली वर्क किया इसने, मार्केट ने बिल्कुल पिन पॉइंट यहीं पे रेजिस्टेंस ली जहां पे हमारे सुपर ट्रेंड की रेजिस्टेंस थी और वहां से फिर हमें रिवर्सल देखने को मिला और एक अच्छा डिसेंट 60-70 पॉइंट्स का हमें फॉल देखने को मिला वहां से। तो परफेक्टली फिर से हमारे सुपर ट्रेंड ने मार्केट में वर्क किया यहाँ पे भी, और डे एंड में भी देखिए आप दोबारा जब टेस्ट करना है यहाँ पे फिर मार्केट को रेजिस्टेंस दी। तो बहुत परफेक्टली आपकी हेल्प करता है इंट्राडे ट्रेड्स में, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। तो होप आपको इसकी इंपॉर्टेंट समझ आ गई होगी और कैसे इसने इंट्राडे वर्क किया वो भी हमने आपको दिखा दिया। हटा देते हैं अभी इंट्राडे, बाकी मूव्स की बात कर लेते हैं और फिर हमारे लेवल जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, कन्फर्मेशन नहीं मिली। अब काफी लोगों को डाउट है, काफी लोग न्यू आए हैं कि कन्फर्मेशन कैसे पता लगता है हमें कन्फर्मेशन लेवल की मिली या नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये कैंडल जो आपको फर्स्ट ग्रीन कैंडल दिख रही है ये हमारे लेवल को ब्रेक कर रही है 14,900 को। तो कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है, जो इसकी फॉलो अप कैंडल है वो इस कैंडल का हाई अगर ब्रेक करके उसके अबव क्लोज होती है तो हमें कन्फर्मेशन मिलती है। होप आपको समझ आ गया होगा, फिर से बता रहा हूँ कि जो हमारी फर्स्ट कैंडल लेवल को ब्रेक करती है उसके बाद हम एक फॉलो अप कैंडल ढूंढते हैं जो हमारी फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करके उसके अबव क्लोज करेगी तो हमें कन्फर्मेशन मिल जाएगी लेवल के ब्रेक होने की। लेकिन आप देखिए नेक्स्ट कैंडल तो रेड बन गई, कन्फर्मेशन मिली ही नहीं, दोबारा ये तो दिखा दिया मार्केट में ये तो रेजिस्टेंस का वर्क कर रही है और परफेक्टली सुपर ट्रेंड के भी रेजिस्टेंस थी, परफेक्टली हमारे लेवल ने भी वर्क किया, सुपर ट्रेंड ने भी वर्क किया और एक अच्छा कंटिन्यूस हमें फॉल देखने को मिला लोअर साइड लेवल तक जो हमारा था 14,850। फिर मार्केट ऑलमोस्ट यहीं पे सपोर्ट लेती है, फिर बाउंस बैक देखने को मिलता है, लेकिन सेकेंड हाफ में मार्केट में फाइनली हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं एंड आ जाते हैं हम अपने लोअर साइड लेवल तक जो था 14,800। देखिए अपर साइड का आपको समझ आएगा कैसे ब्रेकआउट चेक करना है आपको, लोअर साइड का भी सिमिलर सिनेरियो है। यहाँ पे लोअर साइड जब हम ब्रेक कर रहे हैं देखिए इस कैंडल से, अगर नेक्स्ट कैंडल हमारी इस कैंडल का लो ब्रेक करके उसके बिलो क्लोजिंग दे देती तो हमें लोअर साइड ब्रेक की कन्फर्मेशन मिल जाती, वो हमें यहाँ भी नहीं मिली। यहाँ पे भी मार्केट ने लेवल पे सपोर्ट लिया और दोबारा बाउंस बैक आया किस लेवल तक, 14,850। तो लेवल टू लेवल बहुत परफेक्टली मार्केट वर्क करती है, चार्ट्स पे मार्क करके रखें एंड फॉलो करें, आपको खुद दिखेगा कि लेवल से बेस्ट कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सेटअप है एंड बहुत परफेक्टली वर्क करते हैं। तो इंट्राडे लेवल ने बहुत अच्छे से वर्क किया, ओवरऑल मार्केट कैसी थी, बहुत ज्यादा हमने मूव्स तो नहीं देखे आज, लेकिन स्लाइटली अपर लेवल से हमें सेल ऑफ देखने मिला। ओवरऑल देखेंगे कि तो एक स्लाइटली सी नेगेटिव क्लोजिंग आई है, ये जो कोविड के चक्कर में आपको डरा रहे हैं उनसे तो बच के रहिए, वो तो ऐसा दिखाते थे कि एक ही दिन में मार्केट क्रैश हो जाएगी एंड मॉर्निंग में ही आपको सेल करा देते, लेकिन मॉर्निंग में तो हमें एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला था, ठीक है। तो उनके चक्रों में बिल्कुल मत फंसे एंड टेक्निकल्स को फॉलो करें, लेवल्स को फॉलो करें, अगर कोई इम्पैक्ट आना होगा
तो वो आपको लेवल्स बता देंगे। एंड ये लोग जनरली क्या करते हैं, ये लोग जनरली 10 डेज लगातार आपको बोलते रहेंगे कि मार्केट में फॉल आएगा फॉल आएगा। अब किसी ना किसी दिन तो आएगा ही, और जिस दिन आएगा उस दिन बोलेंगे देखा हमने बोला था हमने बोला। और जो बाकी 9 दिन गलत हो गए वो कौन बोलेगा, उनके बारे में ये कोई बात नहीं करते, ना आप इनसे कभी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों को फॉलो ना करें। अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो उसमें आप न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वहां आपको टेक्निकल्स को ही फॉलो करना होगा। लॉन्गर टाइम फ्रेम में जरूर आपको उसका इम्पैक्ट दिख सकता है, लेकिन इंट्राडे में ऐसी न्यूज को आप कभी भी यूज नहीं कर सकते जो डेली अपडेट हो रही है। वन टाइम कोई सडन न्यूज है उसका इम्पैक्ट आएगा मार्केट में, लेकिन कोई जो डेली फिगर्स अपडेट हो रहे हैं, डेली आप देखेंगे कोविड केसेस तो इतने राइज हो रहे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग तो मार्केट अभी तक क्रैश आ जाना चाहिए था, लेकिन आप सिंपली देखेंगे मार्केट बहुत सिस्टमैटिकली चलती है एंड आपको उसी माइंडसेट से मार्केट को ट्रेड भी करना है। अब इंट्राडे हमने मार्केट देख ली, मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जानेंगे अभी, लेकिन अभी चलते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ताकि हमें एक वीकली व्यू मिल सके एंड वीकली क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे उनकी हम बात कर लेते हैं। ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। अब हमने अलग अलग यहाँ पे आपको अपर साइड ट्रेंड लाइन तो आप अभी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि मार्केट वहां से बहुत ज्यादा डाउन है, लोअर ट्रेंड लाइंस की एक बार बात कर लेते हैं। ये किन पॉइंट को कनेक्ट करके आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि सब कुछ हम आपको लॉजिकली समझाते हैं बहुत सिंपली। देखिए मार्केट में अपर लेवल से काफी बार डिप आया, देखिए काफी बार मार्केट ने डिप आया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, और ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है। तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन से बार बार रिवर्सल दिया है जब भी मार्केट में फॉल आ रहा था, कितना बड़ा डिप आ रहा है लेकिन मार्केट ने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, मार्केट ने बाउंस बैक दिखाया, फिर डिप आया मार्केट ने फिर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया फिर बाउंस बैक देखने को मिला, और फिर डिप आया मार्केट ने फिर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया और फिर बाउंस बैक देखने को मिला। लेकिन इस बार क्या हुआ, मार्केट ने इस बार इस ट्रेंड लाइन को कर दिया ब्रेक, इसलिए हम ओवरऑल ट्रेंड आपको क्या बताते हैं, ओवरऑल ट्रेंड अभी नेगेटिव चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इस जो मेजर ट्रेंड लाइन थी ना लोअर साइड सपोर्ट की, उसको हम ब्रेक कर चुके हैं। अब ये वर्क करेगी एज ए रेजिस्टेंस का। आपने अगर 7-8 डेज पहले देखा होगा तो इस ट्रेंड लाइन ने परफेक्टली रेजिस्टेंस का भी वर्क किया था। आप देखेंगे मार्केट में डिप आ चुका था और जब दोबारा बाउंस बैक आया तो, लेकिन इसी ट्रेंड लाइन पे देखिए कितना परफेक्टली मार्केट ने रेजिस्टेंस ली थी और वहां से फिर से हमें फॉल देखने को मिला। तो ये ट्रेंड लाइन की आपको इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी। फर्स्टली मैंने आपको बताया कि कैसे कनेक्ट होकर ये ट्रेंड लाइन बनी है ताकि आप खुद भी इन चीजों को अपने चार्ट्स पे अप्लाई कर सके। अब ये ट्रेंड लाइन का लेवल क्या आ रहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सेकंड ट्रेंड लाइन की और बात कर लेते हैं कि ओवर साइड ये तो हमें रेजिस्टेंस बता रही है, सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन कैसे बनाई गई है वो भी आप एक बार देख लीजिए। रिसेंट टाइम में आप देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन ने मल्टीपल टाइम मार्केट को सपोर्ट दिया है और प्रीवियसली एज अ रेजिस्टेंस का भी वर्क कर चुकी है। आप देखिए यहाँ पे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे फिर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा टाइम ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया इसने और प्रीवियसली एज अ रेजिस्टेंस का भी वर्क किया है ट्रेंड लाइन ने, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए। तो मल्टीपल टाइम मोर देन 4-5 टाइम ये ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वर्क कर चुकी है और ये जो हमें काफी अच्छा फॉल देखने को मिला था अपर लेवल से, तो वहां पे भी इस ट्रेंड लाइन पे इस बार भी मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए अभी भी सपोर्ट लेवल का वर्क कर रही है। तो अब दोनों ट्रेंड लाइन के लेवल्स जान लेते हैं कि वो क्या लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे, कि अगर अपसाइड ब्रेक होते हैं तो हमें कंटिन्यूस अप मूव देखने को मिलेगा और डाउनसाइड ब्रेक होता है तो कंटिन्यूस डाउन मूव देखने को मिलेगा। तो वो लेवल्स क्या है, अपसाइड के लिए पहले हमारा लेवल था 15,000 इस वीक के लिए, जिसके अकॉर्डिंग हमने कल एक शॉर्ट पोजीशन भी बनाई थी उसके पास जब मार्केट आई थी और जिसमें हमें जैकपॉट 700% का प्रॉफिट भी देखने को मिला। वो पहले लेवल था 15,000, लेकिन अब वो लेवल शिफ्ट हो चुका है क्योंकि ये अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है। तो अब वो लेवल क्या आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ, 15,070 वो लेवल होगा। अब पहले 15,000 था, अब मार्केट में 15,070 वो लेवल है कि अगर वो ब्रेक होगा तब मार्केट इस अपर जोन में एंटर करेगी और वहां से हमें एक कंटिन्यूस अप मूव देखने को मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर अपसाइड रेजिस्टेंस लेवल क्या है पूरे वीक के लिए, 15,070। प्रीवियसली क्या था 15,000, लेकिन अब वो शिफ्ट हो चुका है और अब वो हो चुका है 15,070। होप आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली रेजिस्टेंस समझ आ गई होगी। इंट्राडे लेवल्स की बात करेंगे मंडे के लिए, लेकिन आपको वीकली व्यू दे रहे हैं डिटेल एनालिसिस में। तो फर्स्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल पहले 15,000 था, लेकिन अब वो चेंज होके 15,070 हो चुका है। सपोर्ट लेवल क्या है लोअर साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोअर साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पहले था 14,350, ठीक है, लेकिन अब वो भी थोड़ा शिफ्ट हो चुका है और अब वो लेवल हो चुका है 14,430, ठीक है। तो लोअर साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 14,430 एंड अपर साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 15,070।
ये दोनों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। लोअर साइड कोई मेजर क्रैश आना होगा, मेजर फॉल आना होगा, तो हम 14,430 को ब्रेक करेंगे, तब हमें वहां से मेजर फॉल देखने को मिलेगा। और अपर साइड अगर हमें फ्रेश बुल रन देखना है, फ्रेश अप मूव देखना है, बहुत ही अच्छा। अभी तो मार्केट पूरे वीक में देखिए क्या थी, मार्केट रेंज बाउंड ही थी, न्यूज के चक्कर में तो आप कहीं भी ट्रेड नहीं ले पाते, ना मार्केट अपसाइड गई ना डाउन साइड गई। आप देखिए पूरे वीक मार्केट रेंज में ही रही, परफेक्टली लेवल्स को फॉलो करती रही। ठीक है, तो लेवल्स को आपको भी फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बनाना है। मेजर फॉल के लिए 14,430 ब्रेक करे तो हम भी कहेंगे हाँ मार्केट में बड़ा फॉल आने वाला है, जिसमें लोअर साइड टारगेट क्या है 13,800, तो मोर देन 600 पॉइंट्स का टारगेट भी है हमारे पास लोअर साइड। लेकिन ब्रेक तो होने दो ना यार, पहले क्यों कूद जाना है किसी भी ट्रेड में, वेट करना है पेशेंटली, लेवल ब्रेक होंगे तब एंटर होना है, तब तक इंट्राडे लेवल्स को फॉलो करते रहो। पोजिशनल लेवल जब ब्रेक होगा तब एंट्री करनी है, अभी कोई पोजिशन लेवल के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं बन रही है। अपर साइड 15,070, लोअर साइड 14,430। होप आपको दोनों ट्रेंड लाइन का लॉजिक भी समझ आ गया होगा और दोनों ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग लेवल क्या मिल रहा है वो भी समझ आ गया होगा। चलिए अब आ जाते हैं हमारे इंट्राडे लेवल्स पे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स क्या है जो आपको इंट्राडे ट्रेड्स में हेल्प करेंगे। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश नहीं हुआ है, मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में ही है, लेकिन कोई मेजर फॉल के लिए लेवल अभी ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, इंट्राडे लेवल्स की बात कर लेते हैं। अभी मार्केट की क्लोजिंग आई है 14,838 पे। ठीक है, तो ये इमीडिएट मार्केट का लेवल है, तो ये दोनों लेवल्स के मिड में क्लोज हुआ है। 14,800 के अबव क्लोजिंग आई है एंड 14,850 के बिलो क्लोजिंग आई है। देखिए पहले हमारे ये नो ट्रेड जोन था, ठीक है, वो क्यों था, क्योंकि लोअर साइड से हमें बाउंस देखने को मिल रहा था, तब मार्केट कहीं भी लेवल पे रेजिस्टेंस ले लेती थी। लेकिन मार्केट अब फिर से हमारा जो लेवल था 49 को फिर से उसी लेवल पे वर्क करने लग गई है। अब आपको इसे नो ट्रेड जोन की तरह ट्रेड नहीं करना है, आपको फिर से लेवल्स को फॉलो करना है। 14,850 भी वर्क करेगा एंड 14,900 भी मार्केट में वर्क करेगा। तो इमीडिएट मार्केट में रेजिस्टेंस है 14,850, उसके बाद लेवल आता है 14,900 एंड उसके बाद लेवल आता है हमारा, लेवल तो वैसे 15,000 है लेकिन मार्केट ने जो रिसेंट हाई बनाया था और जहां पे परफेक्टली हमने कल ट्रेड लिया था वो लेवल था 14,980। तो ये लेवल काफी टाइम के बाद हमने ये दोबारा हाई लगाया था, तो ये लेवल भी एज अ रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। देखिए कितना परफेक्टली हमने कल टॉप कैच किया था मार्केट का। तो ये पूरा जो जोन है 14,980 से 15,000 ये बन जाता है हमारा रेजिस्टेंस जोन। अब हमारे रेजिस्टेंस के लेवल क्या हो चुके हैं, 14,850 फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है, उसके बाद 14,900 एंड उसके बाद जो जोन आता है हमारा 14,980 से 15,000। ठीक है, तो ये तीनों हमारे मंडे के लिए रेजिस्टेंस लेवल होंगे। तो जान लेते हैं अब हमारे सपोर्ट लेवल्स। तो फर्स्ट सपोर्ट आता है मार्केट में 14,800, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है 14,760 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 14,700। प्रीवियसली भी हमने आपको बार बार बताया कि 14,700 एक काफी इंपॉर्टेंट मिड में लेवल आता है, जो हमारे मेजर लेवल्स थे उनके बीच में, जो मार्केट की एक रेंज डिसाइड करता है। तो 14,700 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मंडे के लिए लेवल होगा, अगर ये ब्रेक होता है तो काफी अच्छा फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो ये बात हो गई हमारे मंडे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे भी हम आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता चुके हैं, अब चल लेते हैं हमारी ऑप्शन चेन पे कि वहां के डाटा से हमें क्या पता लग रहा है। एंड हम मंडे से अपना न्यू हेजिंग बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जहां 1 वीक आपको लाइव ट्रेड्स के साथ हेजिंग सीखने को मिलती है। तो आप सीखते भी हैं वहां पे और अर्न भी करते हैं, लाइव ट्रेड के साथ प्राइस मूवमेंट कैसे होती है हेजिंग में सब कुछ आपको पता लगता है। सिंपली वो ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे एंड कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा। बहुत सारे लोगों की ये भी क्वेरी है कि हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो हम क्या करें, हम कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप न्यू अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते या ऑलरेडी आपके पास इन ब्रोकर्स के अकाउंट है, तो उसका एक ही ऑल्टरनेटिव है कि आप डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं एंड उसके थ्रू हम आपको हेजिंग बैच में ऐड कर देंगे। मंडे से ये हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, तो पार्ट बनना है तो या तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर आप डायमंड मेंबरशिप के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं, ये दोनों ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो अगर आप सेफ एंड रेगुलर इनकम अर्न करना चाहते हैं तो हेजिंग हमारे साथ सीख सकते हैं, मंडे से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। तो ये है हमारी ऑप्शन चेन। अभी मार्केट की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 14,850 के आसपास आई है। सपोर्ट लेवल अगर देखेंगे तो 14,800 पे स्लाइटली सा सपोर्ट जरूर बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि 26,000 हुआ है पुट साइड एंड कॉल साइड है 13,500, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 12,500 का गैप मिल जाता है, जो बिल्कुल परफेक्टली तो मैच नहीं कर रहा हमारे जो क्राइटेरिया है। हम जनरली 14,000 to 15,000 का गैप ढूंढते हैं, लेकिन स्लाइटली वहां से कोई बहुत बड़ा गैप भी नहीं है। अगर मार्केट फ्लैट भी ओपन होती है
टू भी ये कवर अप कर लेगा एंड 2-3 थाउजेंड का तो एडिशन बहुत इजीली हो जाता है यहाँ पे, तो हमें ये गैप फिल होता हुआ दिखेगा एंड मार्केट में ये सपोर्ट बन जाता है। लेकिन अभी सपोर्ट वीक है, ये स्ट्रॉन्गर सपोर्ट हमें वही मिल रहा है जो मैं आपको बता भी रहा था कि 14,700 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे ओआई देखेंगे तो पुट साइड है 17,000 एंड कॉल साइड है 3,000, तो एक डिसेंट 14,000 का हमें गैप मिल जाता है जो हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मंडे के लिए 14,700। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी, वीक सपोर्ट 14,800 पता लग चुका है। रेजिस्टेंस पॉइंट देखेंगे तो 14,900 पे फिर से वैसी ही वीक रेजिस्टेंस है, स्ट्रांग क्यों नहीं है। और इसका एक और रीजन है कि हमें नियर स्ट्राइक प्राइस पे क्यों मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में जनरली कोशिश की जाती है कि वीकेंड पे लाइट पोजीशन कैरी की जाए, क्योंकि वीकेंड पे अगर सडनली कोई न्यूज आती है उसका कोई मार्केट में मेजर इंपैक्ट होता है तो उसकी वजह से काफी बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए हम भी आपको बता दें कि वीकेंड्स पे पोजीशन कम कैरी कीजिए, बड़े प्लेयर्स भी अपनी पोजीशन वीकेंड पे कम कैरी करते हैं। यहाँ पे भी जैसा दिख रहा है 14,900 पे कॉल साइड 26,000 हुआ है एंड पुट साइड 13,000, तो वही 13,000 का गैप मिल रहा है जो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये सिर्फ इसीलिए है कि फ्राइडे को जनरली कम पोजीशंस कैरी की जाती हैं। 13,900 को हम इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट अगर बिल्कुल ही आप माइन्यूट देखेंगे तो 13,500 का हमें गैप मिल जाता है। तो 14,900 एक डिसेंट रेजिस्टेंस है मंडे के लिए एंड मेजर सपोर्ट है 14,700। मैक्सिमम ओआई कहाँ दिख रहा है, कॉल साइड मैक्सिमम ओआई कंटिन्यूअसली हमें 15,000 पे ही देखने को मिल रहा है। तो 15,000 को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है मार्केट के लिए, और ब्रेक करेगा तो वहां से अच्छा अपमूव भी आएगा, लेकिन अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर रेजिस्टेंस है वो। और पुट साइड मैक्सिमम ओआई देखेंगे तो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, वो मिल रहा है 14,500 पे। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज आपने नोटिस की, जो हमारा 15,000 लेवल था उससे 70 पॉइंट अबव, एग्जैक्टली पिन पॉइंट 70 पॉइंट अबव हमारा वो लेवल है जो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मेजर रेजिस्टेंस है। इसी को पुट के साथ आप कोरिलेट कीजिए, पुट पे हमारा लेवल क्या आ रहा है ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग मेजर 14,000 मैक्सिमम ओआई का है 14,500 पे, एंड उसमें 70 पॉइंट आप माइनस कीजिए क्या नंबर आता है 14,430। बिल्कुल पिन पॉइंट वो लेवल जो हमारा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मेजर सपोर्ट लेवल है। तो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग भी ऑलमोस्ट वही डाटा आ रहा है एंड चार्ट्स पे भी वो कोरिलेट हो रहा है, तो आपको इन लेवल्स को जरूर फॉलो करना है। होप आपको सारे मेजर लेवल समझ आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक जरूर करना है वीडियो को। फिर से वीकेंड वीडियो है, 400 लाइक्स का टारगेट रखेंगे एंड होप आप लास्ट टाइम की तरह इसे भी कंप्लीट कर देंगे। एंड चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लो यार, हम एक माइलस्टोन के बहुत ज्यादा पास है, तो जरूर सब्सक्राइब करना है। आपने अभी तक नहीं किया तो आज तो पक्का सब्सक्राइब कर लो। तो आज की वीडियो में इतना ही, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।